मई 1999 पाकिस्तान की हिमाकत से शुरू हुई कारगिल की जंग। द्रास से मशको और बटालिक से टुरटुक हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही थी। 0.4875 उनके कब्जे में रह गई आखिरी चोटी थी। ये एक आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जहां से वो अपने कमांडर्स और वॉर रूम्स पर नजर रखते हैं। कैप्टन अनुज नय्यर 17 जाट रेजिमेंट की एक पलटन का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्हें 0.4875 की इन बहुत ही मुश्किल चढ़ाइयों से काफी सूझबूझ के साथ हमला करना होगा। भारी हथियारों से लैस दुश्मनों के चार बंकर किसी अभेद दीवार से कम नहीं थे, लेकिन 24 वर्षीय कैप्टन नय्यर को रोक पाना असंभव था। चार में से तीन बंकर्स को तबाह कर दिया गया, पर गुना बारूद कम हो रहा था और उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी। कैप्टन अनुज नय्यर लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके बलिदान ने उनके साथियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। कैप्टन अनुज नय्यर के इस बलिदान की वजह से ही अब 0.4875 का ज्यादातर हिस्सा हमारे पास था, पर इसकी चोटी अभी भी दुश्मनों के कब्जे में थी।